साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैनेजमेंट के तहत TQM हम पढ़ रहे थे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इस TQM पर दो क्लासें अपनी हो चुकी हैं। आज TQM पर आपकी तीसरी क्लास है, इसके बाद एक क्लास आपकी चेंज मैनेजमेंट को लेकर और आने वाली है, और उसके बाद आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यह कंप्लीट होने के बाद जैसे आपकी कुछ कमेटियां बची हुई हैं अभी मैनेजमेंट से संबंधित, और उसके बाद कुछ छोटा मोटा पार्ट और बचा हुआ है वो हम करेंगे। लगभग 3-4 क्लासें आपकी और होनी है। 3-4 क्लासों के बाद मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट जैसे ही पूरा हो जाता है, एक नई और फ्रेश यूनिट हम शुरू करने वाले हैं, अर्थात रेफरेंस सर्विस और सोर्स को हम प्रारंभ करने वाले हैं। वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा बड़ी यूनिट वो भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है, लेकिन महत्वपूर्ण है। फैक्ट ही फैक्ट भरे हैं पूरी यूनिट में, सबके सब फैक्ट में करवाने वाला हूं, एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं। बस आपका कार्य यही है कि जो मैं दे रहा हूं वो आप ग्रहण करते जाएं, अपनी मेमोरी में सेव करते जाएं। उसके बाद देखिएगा, पेपर देने के बाद आनंद की अनुभूति होगी, ऐसे फील आएगा कि सर मजा आ गया, बहुत गजब का कंटेंट आपने अवेलेबल करवाया और उससे हमारे नंबर परीक्षा में बहुत अच्छे आए। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं, बेटा मैं आपको कितना भी डीप कॉन्सेप्ट करवा दूं, लेकिन आपको अपनी तरफ से इतना सा कार्य कर लेना है कि टॉपिक के साथ साथ उसके MCQs लगा लेने हैं। क्योंकि मैं कंसेप्ट कितना भी करवा दूं, जब तक आप स्वयं से क्वेश्चन निकालेंगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि यहां से सवाल कैसे बन करके आते हैं। आपको अगर कोई नई चीज मेरी क्लास से मिलती है, और अधिकतर चीजें नहीं होती हैं, आप लोगों में से बहुत से बच्चे मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि सर ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, ये तो पहली बार आपकी क्लास में सुनने को मिला है, नेट का कोर्स ले रखा है उसके बावजूद भी उसमें भी नहीं पढ़ा सर हमने, तो ये नाम ही पहली बार सुना। अगर ऐसी स्थिति होती है और होगी मेरी क्लासों में, तो क्योंकि मैं काफी डीप जाता हूं और मैं कंटेंट पे मेहनत करता हूं, सीधी बात यह है। तो नई चीजें मिलती है, आप अपने नोट्स में उसे एड ऑन कर लीजिए बेटा, एड करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। जो लोग पढ़ाते हैं, कितना पढ़ा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने देख रखा है कितना कंटेंट अवेलेबल हो पा रहा है और कितना वो आपको दे पा रहे हैं, तो एड ऑन कर लिया करें आप। चलिएगा, लाइब्रेरी से संबंधित TQM चल रहा होता, और TQM के गुरुज की हम बात कर रहे थे। गुरुज में भी हम कुछ गुरुओं को पढ़ चुके हैं, कुछ गुरुओं को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोरू इशिकावा को। कोरू इशिकावा को, इशिकावा नाम से आप इसे याद रख लेना भाई। अब इनके संबंध में कैसे कैसे सवाल आते हैं वो भी हमें देखने हैं। देखिएगा, मैंने एक जगह फिर से डाल दिया है, पीछे की क्लास में भी ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, TQM क्या है या किसने दिया था, TQC किसने दिया था, QCC किसने दिया था। मैं आपको नोट डाउन करके भी दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 90%, मैंने ये कहा भी था उस समय कि बेटा ये नोट कर लेना तीनों चीज एक जगह, नहीं तो कंफ्यूज होगी, 90% बच्चों ने नोट नहीं किया होगा, मैं जानता हूं। मैं फिर भी खुद लिख के दे रहा हूं कि यार आपके पास अवेलेबल रहेंगे ना तो कम से कम कभी तो सामने आएंगे, कभी तो पढ़ोगे आप नोट्स में रहेंगे तो। मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूं, खुद के लिए तो सोच लिया करो यार, 90% आप में से ऐसे हैं जिन्होंने नोट नहीं किया होगा, मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर रहा हूं, आप याद जरूर कर लेना। पर देखिएगा, क्वालिटी कंट्रोल सर्किट QCC, ये पद किसने दिया था? आप कहेंगे सर कोरू इशिकावा ने।
क्यों? बोले सीसी सु इश्क होगो, है ना। तो क्यू सीसी किसने दिया था? इसी कावा ने दिया था, याद कर लेना। टी क्यू सी कल भी करवाया था, इसे डिटेल में भी हमने पढ़ा था फैगन बॉम में। और एक था टी क्यू एम, इससे आप परिचित बहुत अच्छे से हैं, डेमिंग और जुरान। तो तीनों पद आपको याद होने चाहिए, क्यू सी सी इसकावा, सीसी से इसको हो गया तो इसी कावा, टी क्यू एम आपको पता ही है डेमिंग और जुरान, और उसके बाद टी क्यू सी टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ये दिया था फैगन बॉम ने। तो तीनों याद कर लेने हैं, बार बार यहां से सवाल आता है। बात कर रहे हैं इसी कावा की, तो इसी कावा ने कौन सा पद दिया था? क्यू सी सी स्टार लगा लेना, बार बार पूछा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के द्वारा समस्या समाधान प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के महत्व पर जोर किसने दिया था? लगाओ स्टार, बार बार यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्यूसीसी के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के द्वारा समस्या समाधान प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के महत्व पर किस व्यक्ति ने जोर दिया था? क्यूसीसी का नाम आते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि यह पद ही किसने दिया था? इसी कावा ने दिया था, यह सवाल पूछा जा चुका है। लगाओ फिर से स्टार, लगाओ जी। क्यूसीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्यूसीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप कहेंगे सर सहभागी प्रबंधन के लिए, सहभागी प्रबंधन के लिए। जो क्वालिटी कंट्रोल सर्किल होता है, तो सर्किल का मतलब है कि उसमें एक कार्य से संबंधित, सर्किल होता है एक कार्य से संबंधित बहुत सारे लोगों का यह समूह होता है, सबका उद्देश्य इस कार्य को पूरा करना होता है, सबका टारगेट एक ही होता है और मिलजुल के वो लोग कार्य करते हैं, एक जैसे काम करने वाले लोगों का समूह होता है इसमें। बात करेंगे खैर आगे इनकी भी। तो क्यूसीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सहभागी प्रबंधन के लिए क्यूसीसी का उपयोग किया जाता है। चलिएगा देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज लगाइए स्टार, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात टीक्यूएम के सांख्यिकीय उपकरण किसने बताए थे? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, टीक्यूएम के सांख्यिकीय उपकरण किसने बताए थे और कितने उपकरण बताए थे? यह सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है, लगा लेना भाई स्टार। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो सांख्यिकीय उपकरण हैं वो किसने बताए? आप कहेंगे सर इसी कावा ने बताए। इसी कावा ने टीक्यूएम के कितने उपकरण बताए या कितने सांख्यिकीय उपकरण बताए? तो फिर आप कहेंगे सर ये 7 उपकरण इन्होंने बताए थे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सांख्यिकीय उपकरण इसी कावा ने बताए और कितने उपकरण बताए? बोले सर 7 उपकरण बताए। 7 स्टैटिकल टूल्स किसने बताए थे? यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 7 स्टैटिकल टूल किसके द्वारा बताए गए? आप कहेंगे सर कोरू इसी कावा ने बताए। इसी कावा नाम याद रख लीजिएगा। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं 7 उपकरणों की। 7 टूल कौन कौन से बताए? ये 7 के 7 जो टूल हैं इनके नाम आपको याद रहने ही चाहिए। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा टूल नहीं बताया, या फिर पूछ लेता है निम्न में से कौन कौन से टूल बताए हैं, तो 7 के 7 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। 90% संभावना इनके नाम से ही सवाल पूछने की रहती है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो इनके नाम से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है, नाम से केवल। 10% संभावना इनके कंसेप्ट से सवाल बनने की रहती है, तो कंसेप्ट भी करेंगे और इनके नाम भी करेंगे, लेकिन नाम तो आपको आवश्यक रूप से याद रहने चाहिए 7 टूलों के। पहला हिस्टोग्राम, ये सबके सब डायग्राम है, चार्ट है एक प्रकार के, ना। तो पहला हिस्टोग्राम है, दूसरा कारण प्रभाव डायग्राम, और जो कारण प्रभाव डायग्राम है उसे फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, फिशबोन डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम जब बनता है तो इसकी आकृति जो मछली की हड्डी है ना उसके समान बनती है, इसलिए
कारण प्रभाव डायग्राम को फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल है सबके सब, सबके सब पूछे जा चुके हैं। दूसरा नाम इशिकावा डायग्राम है इसका, तो इशिकावा डायग्राम के नाम से जाना जाता है कारण प्रभाव डायग्राम, फिशबोन डायग्राम के नाम से पहचाना जाता है कारण प्रभाव डायग्राम। ये सब के सब सवाल है, ध्यान रखना। तीसरा चेकशीट्स, चौथा परेटो डायग्राम, पांचवा कंट्रोल डायग्राम, छठवा स्केटर डायग्राम और सातवा है फ्लो चार्ट। ये सात के सात नाम आपको याद रहने चाहिए। पहला है हिस्टोग्राम, दूसरा है कारण प्रभाव डायग्राम, तीसरा है चेक शीट्स, चौथा है प्रेटो डायग्राम, पांचवा है आपका कंट्रोल डायग्राम, स्केटर डायग्राम और फ्लो चार्ट। ध्यान रखना फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम जो है कारण प्रभाव डायग्राम के ही दूसरे नाम है। बहुत बार आपको सीधा फिशबोन डायग्राम देख रखेगा एग्जाम में, सीधा सीधा फिशबोन मिलता है। जरूरी नहीं है यहां कारण प्रभाव देख के आपसे पूछे, फिशबोन के बारे में सीधा पूछ लेता है। चलो जी, अब हमें बात करते हैं एक अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और फिर बात करेंगे एक एक डायग्राम की, इनकी विशेषता हम देखेंगे। विशेषताओं से अगर कोई सवाल आता है तो वहां भी आप ठीक कर पाएंगे। देखिएगा, यह सवाल है, यह पूछा जा चुका है, TQM का कौन सा सांख्यिकीय उपकरण, सांख्यिकीय उपकरण कितने थे, सात थे, उनमें से कौन सा सांख्यिकीय उपकरण समस्या के मूल कारणों के साथ साथ उनके संभावित प्रभाव की पहचान करने में सहायता करता है। कारण प्रभाव डायग्राम, देखो कारण और प्रभाव आगे दोनों चीजें, कारण प्रभाव डायग्राम इसका आंसर होगा। और कारण प्रभाव डायग्राम का दूसरा नाम क्या था, फिशबोन डायग्राम, तो उसने कारण प्रभाव ऑप्शन में नहीं डाला, ऑप्शन में क्या डाल दिया, फिशबोन डायग्राम डाल दिया, क्योंकि कारण और प्रभाव दे देता हो सकता है आप यहां से पकड़ लेते, ये वाला शब्द उठा के आप आंसर से मैच करवा देते, समझ में भी आ जाता, लेकिन उसने कारण प्रभाव ऑप्शन में लिखा ही नहीं, उसका उपनाम लिख के दे दिया फिशबोन डायग्राम। तो ऐसे थोड़ा सा बच के रहना है स्मार्ट। अब देखो ये पता चलता है जब क्वेश्चन देखते हैं हम, नहीं तो भलाई मैं कितनी ही थ्योरी करवा देता या कितना ही कंसेप्ट करवा देता, आप नहीं पकड़ पाते इन चीजों को, इसलिए जरूरी होता है क्वेश्चन करना। चलो जी, बात करते हैं एक एक डायग्राम की और सबसे पहले हम बात करेंगे चेक शीट की। क्या है चेक शीट का उपयोग, हम डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, जो आपकी कंपनी है, जो भी आपका संगठन है, उसमें से डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चेक शीट का। ये डायग्राम है भाई, ये भी एक है ना, इसमें हम रियल टाइम रियल लोकेशन पर जहां डेटा जनरेट हो रहा है वहां जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। रियल टाइम रियल लोकेशन, जहां डेटा कलेक्ट मतलब जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है वहां पर जाएंगे और वहां जाकर के हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल डेटा मिलता है, परफेक्ट डेटा अपने को मिल पाते हैं। तो ये सब कार्य किसके हैं, चेक शीट के हैं। ये इस प्रकार का डायग्राम है। उसके बाद दूसरा है परेटो चार्ट, ये भी डायग्राम है, यह एक सिंपल डायग्राम है, इसमें बार और रेखा दोनों शामिल होते हैं, बार भी होता है और रेखा के माध्यम से भी यह डायग्राम बनता है, जिसमें हम प्रॉब्लम, डिफेक्ट या अन्य पैरामीटर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, समस्या के मूल कारणों के साथ साथ उनके संभावित प्रभाव की पहचान करने में सहायता करता है। लगाओ स्टार, लगाओ भाई, समस्या के मूल कारणों के साथ साथ उनके संभावित प्रभाव की पहचान करने में मदद करता है। कौन सा चार्ट करता है, आप कहेंगे सर परेटो चार्ट करता है, यह सवाल पूछा जा चुका है। चलो जी, बात करते हैं स्केटर चार्ट की। यह एक ग्राफिकल चार्ट है या फिर ग्राफिकल टूल है। यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में संबंध को दिखाता है, इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके मध्य संबंध को दिखाने वाला चार्ट कौन सा है, आप कहेंगे सर स्केटर चार्ट है। ये सवाल ऐसे ही आएंगे, इसी प्रकार से पूछता है। और मैंने वन लाइनर बना के इसकी विशेषता आपको बता दी है,
वन लाइनर के रूप में सबकी विशेषताएं बता रहा हूं ताकि थ्योरी के रूप में आपको ढूंढना नहीं पड़े। ये जो लाइन है ना, एक एक पॉइंट बना के डाल दिए हैं, ये सब क्वेश्चन है, ये मान लेना। इसे कोरू इशिकावा ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? इशिकावा ने बनाया था। इसमें किसी भी प्रॉब्लम में उसके होने के कारण और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सभी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसके द्वारा स्केटर चार्ट बनाया जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उन दोनों वेरिएबल्स में क्या और किस तरह का संबंध है। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, एक बार देख लेंगे तो सवाल यहां से आपका गलत नहीं होगा। बाकी नाम तो आपको आवश्यक रूप से याद होने ही चाहिए, अधिकतर संभावना इनके नाम से ही सवाल आने की रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे लेवल का पेपर देते हैं, नेट सेट का कोई पेपर दे रहे हैं, तो फिर यहां से सवाल बन सकता है और 10% संभावना रहती है। 10% का मतलब हो सकता है एक सवाल आ जाए, और एग्जाम में तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है भाई, वहां तो एक सवाल आपको बहुत से बच्चों से आगे निकाल देता है। चलिएगा, कारण प्रभाव डायग्राम, जिसका दूसरा नाम क्या है? फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम किसी भी समस्या के एनालिसिस में मदद करता है, यह प्रॉब्लम के हर संभव कारण को बताता है, हर संभव कारण को बताता है किस कारण से प्रॉब्लम हुई है। यह डायरेक्ट मुख्य कारण के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन पहले हम समस्या उत्पन्न होने के कारण को जान करके, किस वजह से समस्या उत्पन्न हुई है उसका कारण जान लेते हैं और फिर मुख्य कारण तक पहुंच जाते हैं। समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई, पहले वो कारण जान लेते हैं और फिर उसके माध्यम से हम मुख्य कारण तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट तो नहीं बताता ये, लेकिन इसके माध्यम से हम मुख्य कारण तक पहुंच सकते हैं, अर्थात यह समस्या और कारणों के बीच संबंध की पहचान करता है। लगाओ स्टार, लगाओ भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। समस्या और कारणों के बीच संबंध की पहचान करता है, और आपका जवाब होगा कारण प्रभाव डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, ये पूछा जाता है। नोट डाउन कर लेना इन सब चीजों को। चलो जी, आकार जो इसका है मछली की हड्डी की तरह होता है, इसलिए इसका नाम फिशबोन डायग्राम पड़ा था, जिसका निर्माण 1949 में इशिकावा के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 1949 में, पूछा जाता है भी किसने किया? इशिकावा ने किया था। चलो जी, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं फ्लो चार्ट की। क्या है समझिएगा, इसके द्वारा हमें किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को समझने में आसानी होती है, किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। यह किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डायग्राम के रूप में हमें दिखाता है, ग्राफिकल डायग्राम के रूप में किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाता है। इसमें कई तरह के सिंबल होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को दिखाते हैं, जो कि एक एरो से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? एरो के माध्यम से कनेक्ट होता है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं आपके हिस्टोग्राम डायग्राम की। देखिएगा भाई, छठवा है आपका, यह रेखांकन डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। यह किसी निश्चित समय अंतराल में लिए गए न्यूमेरिकल डेटा का बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्ती, आवर्ती के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। उसके बाद बात करते हैं, हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डेटा को समराइज करने में मदद करता है। प्रोसेस से लिए गए डेटा को समराइज करने में मदद करता है कौन? हिस्टोग्राम। और इस प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी मदद करता है, जो भी चेंज हो रहा है उसमें, उसे समझने में हमारी मदद करता है आपका हिस्टोग्राम। यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या नहीं।
तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सवाल यहां से बन सकता है, सही गलत करके भी पूछ सकता है, विशेषता के रूप में भी आपसे सवाल पूछ सकता है। हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। डेटा जितना ज्यादा होगा एनालिसिस का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। जितना अपने पास न्यूमेरिकल डेटा होगा उतना ही रिजल्ट बेहतर निकल के सामने आएगा। बात करते हैं लास्ट आपके कंट्रोल चार्ट की। समझिएगा भाई, कंट्रोल चार्ट प्रोसेस में हो रहे बदलाव को दिखाते हैं, कितना उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। कौन दिखाता है? कंट्रोल चार्ट दिखाता है। तो ऐसे हैं, धीरे धीरे इन सब चीजों को देख लेना है और यहां से सवाल पूछे जाते हैं भाई। अब हम बात करते हैं एक नए गुरु की, दूसरे गुरु की बात करते हैं, आप जिसे सिंगो के रूप में याद रख लेंगे भाई। कौन से गुरु को पढ़ेंगे? सिंगो को पढ़ेंगे। देखिएगा, सिंगो के बारे में कोई खास बात नहीं है, एक सवाल यहां से आता है। देखिएगा, जीरो डिफेक्ट का वर्जन पोको योके या डिफेक्ट जीरो किसके द्वारा दिया गया था? तब आप कहेंगे सर सिंगो के द्वारा दिया गया था। मात्र यही सवाल इससे बनकर के आता है और कोई सवाल यहां से नहीं बनता है सिंगो के संबंध में। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं तागुची की। तागुची अगले गुरु, लास्ट गुरु आपके कौन है? तागुची है। तागुची को भी पढ़ लेते हैं। तागुची के संबंध में कोई ज्यादा विशेष सवाल तो नहीं है, एक दो सवाल बनते हैं वो मैं आपको साथ ही बता दूंगा। देखिएगा, इन्होंने गुणवत्ता सुधार हेतु निम्न योगदान दिए हैं। गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं समझिएगा। पहला तो है लॉस फंक्शन, क्या है इसे समझिएगा। तागुची ने एक उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में ग्राहक के कथित मूल्य की गिरावट को निर्धारित करने के लिए एक समीकरण तैयार किया। लगाइए स्टार। बहुत बार यह पूछा जाता है भाई, तागुची के संबंध में विशेष रूप से यही एक सवाल आता है और ज्यादा अंदर से सवाल आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन यह सवाल बार बार पूछता है। गुणवत्ता के साथ लागत की तुलना करने वाले, गुणवत्ता के साथ लागत की तुलना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो यह सवाल बार बार पूछा जाता है इसलिए आप स्टार लगाएंगे और इसका आंसर भी अच्छे से याद करेंगे कि गुणवत्ता के साथ लागत की तुलना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तागुची थे। ये याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है यही सवाल। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं ऑर्थोगोनल अरेज एंड लाइनर ग्राफ्स की। समझिएगा इसे भी थोड़ा सा। तागुची ने बाहरी कारकों या शोर को अलग करने के लिए ऑर्थोगोनल अरे का उपयोग करने का एक तरीका तैयार किया था। कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाकी इनके नाम नाम देख लेना आप चाहे। उसके बाद बात करते हैं रोबस्टनेस की, अर्थात मजबूती की बात करते हैं। तागुची ने बाहरी प्रभावों की परवाह किए बिना काम करने के लिए या उत्पाद की क्षमता को मजबूती के रूप में संदर्भित किया है। यह तागुची के संबंध में था। तागुची के संबंध में जो स्टार लगवाया मात्र वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं TQM से संबंधित कुछ टेक्निकल वर्ड्स की। क्या है समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो समझिएगा भाई, किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी सर्किल की। दिमाग में यह चलता है कि क्वालिटी सर्किल आखिर है क्या चीज, समझिएगा। गुणवत्ता चक्र, क्वालिटी सर्किल अर्थात गुणवत्ता चक्र, 3 से 12 लोगों के बीच छोटे समूह को संदर्भित करता है जो स्वेच्छा से समान कार्य करते हैं। सबके सब लोग एक समान कार्य करते हैं, यह खास बात है किसके? क्वालिटी सर्किल के। एक समान कार्य करने वाले लोगों का समूह है ही क्वालिटी सर्किल होता है, बस मिलजुल के वो लोग कार्य करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, प्रति सप्ताह लगभग 1 घंटे के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। गुणवत्ता चक्र कर्मचारी, दूसरे शब्दों में समझिएगा, गुणवत्ता चक्र कर्मचारियों का समूह है, कर्मचारियों का एक ग्रुप है,
जो समस्याओं को हल करने, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने और कार्यस्थल में उच्च मानकों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियमित रूप से मिलते हैं, वही आपका क्या है, क्वालिटी सर्किल है, वही आपका क्वालिटी सर्किल है। चलो जी बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। अब क्वालिटी कंट्रोल, इस नाम से ही आप इसका अर्थ समझ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल अर्थात गुणवत्ता पर नियंत्रण। जो गुणवत्ता से संबंधित आपने मानदंड निर्धारित कर रखे हैं, कहीं उनमें कमी तो नहीं हो रही है ना, उनमें कमी तो नहीं हो रही है, बस उसे नियंत्रित करने की ही एक ये क्या है, प्रक्रिया है, वो कमी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, समझिएगा लैंग्वेज में, गुणवत्ता नियंत्रण किसी कंपनी या संगठन के भीतर एक व्यवस्थित प्रक्रिया और गतिविधियों का समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के उत्पाद या सेवाएं कुछ पूर्व निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को पूरा करती है, वही आपका क्या कहलाता है, क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सिंपल टॉपिक था, कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं थी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक से दो बार भी अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो यहां से आपका कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। अब जो अगली क्लास है वह आपकी चेंज मैनेजमेंट पर होने वाली है। चेंज मैनेजमेंट के बाद कुछ छोटा मोटा बचा हुआ है वह पढ़ेंगे एक दो क्लासों में, और फिर हम एक नई यूनिट को प्रारंभ करेंगे जिसे आप रेफरेंस सर्विस और सोर्स के नाम से जानते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल हमने कुछ बैच आपके लिए अनाउंस कर दिए हैं, जिसे ज्वाइन करना है वो आज और कल में ज्वाइन कर सकता है। आज और कल में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड हमने अवेलेबल करवा दिया है। उस बैच को ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड में आप गुरुजी 500 लिखते हैं तो आपको 500 रुपए का सीधा सीधा ऑफ उसमें मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप स्टडी करके अपना और अपनों का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी बार बार नहीं आती है, बहुत समय के अंतराल के बाद आती है। इस बार चांस है आपके पास, ट्यूशंस वगैरह भी हम करवा रहे हैं वहां सारे, और अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो फिर यूट्यूब से पढ़ते रहिए, यूट्यूब की क्लासें कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी, मैं बार बार आपको कहता हूं। लेकिन अगर दिमाग में यही बिठा रखा है कि इन एनी कंडीशन हमें सिलेक्शन चाहिए, 1,000-2,000-4,000 रुपए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक बार हमें जॉब चाहिए बस, तो फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।